को बस्ती जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौरा गांव के सेंट मेरी स्कूल के पास बस्ती फैजाबाद हाईवे किनारे गन्ने के खेत में मरणासन अवस्था में एक अज्ञात युवती पाई गई। सूचना देने के घंटों बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंची। गन्ने के खेत में खून से लथपथ पड़ी रही युवती। वहीं जब बस्ती एसपी के पीआरओ ने जब मामले को संज्ञान में लिया तब हरकत में आई कप्तानगंज पुलिस। ग्रामीणों की माने तो गन्ने के खेत में घायल अवस्था में मिली युवती कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। वहीं खेत में टूटे गन्ने और बिखरे खून से घायल युवती से अनहोनी की ग्रामीण आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वहीं कप्तानगंज पुलिस की गंभीर मामलों में आए दिन लापरवाही चर्चा का विषय बन रही है। कुछ दिन पहले बघोला रवई नदी में शव मिलने पर भी कप्तानगंज पुलिस ने लापरवाही की थी। शव का पोस्टमार्टम पुलिस ने नहीं कराया था। हरैया थाने पर तैनात एसआई कन्हैया पांडे ने शव को कब्जे में लेकर कराया था पीएम। आज 5 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे थाना कप्तानगंज पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कप्तानगंज पड़ने वाले गौरा गांव में एक अज्ञात महिला जो लगभग 25 वर्ष की है वो एक गन्ने के खेत में करा रही है, उसके सर पर चोट लगी हुई है। इस सूचना पर फौरन कप्तानगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और उसका इलाज पीएससी में कराया गया, जहाँ से उसको सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा अभी उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया महिला के सर पर पीछे की तरफ एक चोट लगी हुई है जिससे खून गिरा है। अभी महिला सेमी कॉन्शियस स्टेज में है, कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। मौके पर डॉग स्क्वाड और अन्य माध्यमों से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही इस महिला की पहचान करके और इस संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।